आज का ये जो है सचंदी यज्ञ का कलश शोभा यात्रा निकाला गया था, जो हजारों महिलाओं के द्वारा जो है ये शोभा यात्रा निकाला गया। ये गंगा जी से जल भर के फिर जो है कलश शोभा यात्रा भी वापस मंदिर में आया है, और ये चैत्री दुर्गा पूजा के लिए जो है कलश शोभा यात्रा और ये साथ साथ यज्ञ जो है सचंदी यज्ञ का यहाँ पे प्रारंभ कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से पूजा का स्टार्ट है, कल से पहली पूजा है, पहला पूजा स्टार्ट हो जाएगा। शोभा यात्रा में 501 कलश है माता बहन लेकर के जल भरने के लिए ललमटिया मंदिर जा रही है लोग, वहाँ से फिर वापस आएंगे, फिर उनका जलपान और शरबत वगैरह का कार्यक्रम है यहाँ। उसके बाद यज्ञशाला में उसको कलश स्थापित कर दिया जाएगा, इसके बाद कल से पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप देखते ही हैं कि प्रशासन और हर तरह से सामाजिक कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और बहुत ढंग से संपन्न कराने की चेष्टा है। बाबा की कृपा होगी तो अच्छे ढंग से इसका कार्यक्रम संपन्न होगा। मेला में यहाँ रासलीला और खेलकूद तमाशा वगैरह का कार्यक्रम है जो कल से शुरू होगा। हम लोगों को सारी सुविधा मिल गई है प्रशासन के तरफ से, सारा हम लोगों को अनुमति मिल गई है और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। लोग मंदिर प्रशासन तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ सारे पदाधिकारी पहुँच गए हैं और लोग सक्रिय हैं। लोग कोविड के बारे में तो अब सरकार का ही निर्णय हो गया है, नहीं नहीं गाइड कि सैनिटाइज वगैरह करके रखे हुए हैं। बहुत पूर्व से यहाँ सचंडी महायज्ञ और चैती नवरात्र पूजन का आयोजन नाथनगर धार्मिक न्यास समिति द्वारा यह आयोजन किया जाता है और नाथनगर के सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और यज्ञ समिति और हमारे मंदिर समिति यहीं पर उपस्थित है। सभी के सहयोग से ये सचंडी महायज्ञ प्रत्येक वर्ष होता है। कोरोना गाइडलाइन के कारण 2 वर्ष जो है सचंडी महायज्ञ नहीं हो पाया था। सरकार का गाइडलाइंस का पालन हमारे यज्ञ समिति पूर्ण रूप से की है। आज 3रा वर्ष, 2 वर्ष यज्ञ नहीं हुआ, 3रा वर्ष धूमधाम से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और समिति के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, समाज सेवक लोग उपस्थित हैं और सभी के सहयोग से ये सचंडी महायज्ञ होता है। हमारे ओम प्रकाश मोदी जी हैं ये समिति के बाबू हैं, रवेश जी है, राकेश जी। कलश शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये कलश शोभा यात्रा नाथनगर निष्ठावनाथ मंदिर से CTS मरवारी पट्टी होते हुए नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी गई और वहाँ से पुनः सुल्तानगंज का जल लेकर सभी महिला लोग, कम से कम 1000 से ज्यादा महिलाएं थी और जुलूस में कम से कम 5000 लोग शामिल थे। सभी लोग माथे पर कलश रखकर जल भरकर यहाँ आए।